finally. Excited? Yes? Happy? Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल इन सहर उमर फूड स्टफ्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं आप लोगों से फॉर अगेन, पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, दोबारा से मैं आपसे फॉर नॉन फ्राई जो है लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत स्पेशल लंच बॉक्स हैं ये लास्ट वीक मैंने वली को बना कर दिए थे ताकि वो सेलेक्ट कर सके कि जब उसका फ़र्स्ट डे स्कूल का होगा तो वो कौन सा लंच बॉक्स लेकर जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो है ब्रेड पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और उसको जो है नीचे सबसे पहले देसी घी डाला है, फिर उसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रख दिया है, फिर उसकी साइड चेंज करके उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। ये घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है। साथ में मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा दी है और ये चिकन चंक्स मैं रख रही हूँ। और ये चिकन चंक्स कैसे मैंने बनाए हैं ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये मैं बना के स्टोर कर लेती हूँ, फिर जब बच्चों को चाहिए होता है ये फ़ौरन से पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाता है। साथ में थोड़े से प्याज काट के वो डाले हैं और शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक सी कटी हुई दो तीन वो रख दी हैं। और साथ में ऊपर भी चीज़ लगा दी थी, ऊपर से लिड दे दिया है मैंने। ये आप कोशिश करें स्टील का लिड दें क्योंकि इससे फिर चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आपका यम्मी सा पिज़्ज़ा इंस्टेंट वाला बच्चों के लंच बॉक्स में रखने के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है ना, ये मैंने आपको अपने पिज़्ज़ा वाली रेसिपी में दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें जी, यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, बहुत इंस्टेंट बन जाता है। बच्चों को पिज़्ज़ा की क्रेविंग आप लोग बना के दे सकते हैं। लंच बॉक्स में मैंने इसको बना के वली को ट्राई करवाया था ताकि वो पास करे, तो मैं फिर इसको लंच बॉक्स में दे दिया करूं। तो मैं आपको आगे चल के बताती हूं वली ने कौन से लंच बॉक्स पे कहा था कि मैं ये लेके जाऊंगा फर्स्ट डे उसका स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडमिशन भी हो गया है और मैं थोड़ी सी अब इमोशनल हूं और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूं। खैर, ये देखें बहुत अच्छा सा ये जो है ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। ये जो ना बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। और जो चिकन चंक्स है ना वो भी मैं इसको बना के स्टोर कर लेती हूँ, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले जी लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, रख देते हैं पिज़्ज़ा इंस्टेंट वाला यम्मी सा पिज़्ज़ा रख देते हैं। साथ में ना बच्चे की कोई भी फेवरेट जो है ना चीज़ रखते हैं, जैसे कि कोई कुकी रखते हैं, कुछ भी मैंने भी यही किया है। पीच रख देते हैं, आलू के मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं वो रख देते हैं और साथ में कुकीज़ रख देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकें, क्योंकि लंच बॉक्स में आपको पता है मैं मीठा भी रखती हूँ साथ। तो चलें जी, एक लंच बॉक्स तो प्रिपेयर हो गया, इसको लंच बॉक्स बैग में डाल देते हैं, दैट्स इट। और ये गया जी वन लंच बॉक्स। अब मैं सेकेंडली बना रही हूँ एग कटलेस बना रही हूँ और इसमें ये बहुत स्पेशल कटलेस है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट शेप्स मैंने बनाए थे और बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि डिफरेंट शेप्स है ना तो बच्चे इंजॉय करते हैं। बस किया ये है मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और साथ में आलू को पील करके वो इसके साथ डाल दिए हैं और इसको मैंने बस चूल्हे पर रख दिया है पानी डाल के, एक गिलास पानी डाल के, और इसको कुक होने के लिए रख दिया। और जब ये थोड़ा सा बॉईल आएगा ना तो ऊपर से जो इसका ये वाइट वाला होता है ना झाग सी वो उतार दें और मैंने ये पानी में ही इसको ड्राई करना है, मैं इसको स्टेन नहीं करूँगी। आलू और जो चिकन है ना इसी पानी में कुक होके और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी मैं। बहुत अच्छे और टेस्टफुल ये बनते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती।
तो बस ये देख लें, ये इसका पानी बिल्कुल मैंने इसमें ड्राई कर लिया है, और चिकन की जो यखनी है वो भी उसका टेस्ट भी इसके अंदर ही है। तो और ये अच्छे से कुक भी हो गए हैं, और बस ये गरम गरम ही ना मैं इसको मैश कर लूँगी, और साथ में ही जो है चिकन भी श्रेड हो जाएगा क्योंकि बोनलेस है, और ना एक्स्ट्रा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चिकन को आप अलहदा से श्रेड करें और फिर आलू को अलहदा से मैश करें। तो बस ये देख लें, ये अच्छे से हो गए हैं। अब एक बाउल में मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब क्योंकि ये एग कटलेस हैं तो मैंने ये 2 एग्स भी बॉईल कर लिए हैं। इसकी जो योक है वो मैं अंदर डाल दी है, और जो वाइट है ना एग वाइट उसकी मैं स्लाइसिस करके तो वो फिर इसमें डालूंगी। पहले ये योक को अंदर मिक्स कर लूंगी। आपको पता है अक्सर बच्चे ना योक नहीं खाते, मेरे बच्चे भी ये योक छोड़ देते हैं क्योंकि हार्ड होती है, तो अंदर मिक्स हो जाएगी ना तो इनको पता नहीं चलेगा। तो बाकी जो वाइट वाला पार्ट है वो तो सब बच्चों को पसंद होता है, तो उसका मैंने सिर्फ स्लाइसिस कर लिया, वो मैं अंदर ऐसे मिक्स नहीं करूंगी। तो बस ये नमक और काली मिर्च डाल दी है, एक ब्रेड का स्लाइस डाला है, इससे ये अच्छे से सारी चीज़ें ना कंबाइन भी हो जाएंगी और अच्छे से ना हम कटलेट्स बना सकेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ये एग वाइट है, एग वाइट के स्लाइसेस हैं वो भी डाल देने हैं अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो कटलेट्स की फिलिंग है ना वो फिर रेडी हो जाएगी। फिर हम ना डिफरेंट शेप्स के कटलेट्स बनाते हैं जो बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं, और वो ना लंच बॉक्स में इजीली लेके जा सकते हैं। इसका ये है कि ये ना आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, कोटिंग भी करके रख ली थी और इसको ना बना के स्टोर कर लिया था। फिर जैसे ही बच्चों के लंच बॉक्स बनाने हो सुबह सुबह ईजीली बन जाते हैं। अब करना ये है, एक ट्रे में ना फिलामेंट पेपर बिछा लें, इससे ना जो है ना मिक्सचर चिपकेगा नहीं ट्रे के साथ, और आपसे ना हैंडल करना इजी हो जाएगा। क्योंकि आलू होते हैं ना उनमें थोड़ा सा स्टार्च होता है, तो फिर इस वजह से वो थोड़ा सा मिक्सचर इसका ऐसा होता है कि अक्सर ये ना चिपकते हैं ट्रे के साथ, तो फिर ऐसे आप शेप नहीं दे सकेंगे। वैसे सिंपली आप बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने स्टार शेप ले ली है, फ्लावर शेप ले ली है, जो कुकी कटर होते हैं ना वही वाली ले ली है, और साथ में हार्ट शेप ले ली है। तो इसमें मैं ये मिक्सचर डाल के, तो ये सबसे पहले मैं स्टार शेप दे रही हूँ इसमें डाल के, अच्छे से इसको दबा दबा के ना शेप दे देनी है। ये देख लें आप, और इस तरह मैंने निकाल लिया है सिंपली, तो ये स्टार शेप होगी। अब मैं ये फ्लावर शेप दे रही हूँ, तो ये कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, ऐसे मिक्स करके ना मैंने सारी शेप बना ली थी। और अब ये हार्ट शेप है, इसी तरह ना ये मैं स्मॉल वाले भी फिल करके तो इनकी शेप बना लूँगी, और फिर बस इनकी ना कोटिंग करते हैं। इनको ना स्टोर कैसे करने वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे, तो आप ना बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो फिर लंच बॉक्स इजीली ये क्रिएट हो जाते हैं। इसमें आप देखें सब कुछ है, आप लोग ये ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चे ना ऐसे भी बहुत इंजॉय करते हैं। जो शेप का जो फॉर्मूला है ना बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, ये स्टार शेप है, हार्ट शेप है, तो बच्चे बहुत इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। अब मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ, कोटिंग में मैंने एक एग ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले ली हैं, तो 1 टाइम एग में कोट करके और फिर ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर से लगा देनी है, तो बस ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह ना मैं सारे क्रिएट कर लेती हूँ और इनको ना कोट कर देती हूँ। अच्छा, फ्राइंग में भी ना मैंने देसी घी यूज़ किया था। आपको पता है बच्चों को ना देसी घी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, ये भी नहीं कि आप भर भर के देसी घी देते रहे, मतलब जो भी हम कुक करें ना बच्चों के लिए अगर हम वो देसी घी में बना लें ना तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। बच्चों की हेल्थ का भी जाहिर है साथ साथ ही ख्याल रखना होता है, सब कुछ हम खिला भी नहीं सकते, तो ये एक चीज़ है। और दूसरा ये मत सोचा करें कि मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा हेल्दी क्यों नहीं है, हेल्दी मीन्स के फैटी क्यों नहीं है। ये फैट कोई अच्छी चीज़ नहीं है बच्चे के लिए, डॉक्टर से भी आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी आप अगर पूछें ना तो आपको बताएंगे कि बच्चा अगर एक्टिव है ना तो वेल एंड गुड है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा फैटी होना कोई अच्छी बात नहीं है कि आप समझे कि बहुत बच्चा फैट में ज़्यादा है तो वो ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, साथ साथ जी बातें भी हो रही हैं और साथ ही कटलेट्स भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब करते हैं लंच बॉक्स प्रिपेयर। मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना, हार्ट शेप है, फ्लावर शेप है, और साथ में जी ये स्टार शेप भी आ गई। ये साथ में है होममेड प्लेन केक, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है केक रस की वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। बहुत अच्छा प्लेन केक रेडी हो जाता है विदाउट ओवन भी। और ये देखें जी दूसरा लंच बॉक्स भी हमारा प्रिपेयर हो गया, और ये डालते हैं जी लंच बॉक्स बैग में, दैट्स इट, ये बन गए। और ये अब तीसरा लंच बॉक्स है, तीसरा लंच बॉक्स में ये चिकन ब्रेड मैंने ट्राई करवाई थी वली को, तो कि ये ओके करता है, खा लेता है, तो फिर मैं इसको दे दूँ। साथ में जी मीठे में है ये चॉकलेट ब्राउनी, बहुत अच्छी ब्राउनी ये घर में रेडी हुई है,
तो इसकी भी मैंने रेसिपी आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये चॉकलेट ब्राउनी और चिकन ब्रेड की रेसिपी एक साथ ही दी थी तो पिकनिक वाली वीडियो में है और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी, ओवन के बगैर भी आप लोग बच्चों को बना के दे सकते हैं, जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत अच्छी चिकन ब्रेड बना के दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है जी मैक्रोनी, ये भी बहुत अच्छे मैक्रोनी बन के रेडी होते हैं। इसमें खास बात ये है कि ना बहुत झटपट बन जाते हैं। कैसे बनते हैं झटपट, आपने सिर्फ मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है और ये जो चिकन है ना इसको मैं कट कर रही हूँ, बोनलेस चिकन ले लें इसको ना कट करके, तो हम कुक करके ना रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिर जैसे ही बच्चे मांगे तो फ़ौरन से ना उन्हें आप दे सकते हैं लंच बॉक्स में, और फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक ये प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं पहले से, और एक ना वेजेस को मैं स्टोर करके रख देती हूँ, फिर जैसे ही बच्चे मांगे ना तो फिर काम ज़्यादा नहीं होता, फ़ौरन से बन जाता है और लंच बॉक्स में भी बनाना ना बहुत इजी हो जाता है। चाहे आप सुबह भी उठ के बनाना चाहें ना तो वो फिर इतना टाइम नहीं लगता। बस करना ये है, मैरिनेशन में मैंने लेमन जूस डाल दिया है 1 लेमन का, और साथ में 1 टीस्पून नमक और काली मिर्चें डाल के इसको सिर्फ मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देना है। फिर इसको ना मैं कुक करके, हाफ कुक करके, तो डाल के मैं इसको पाइपिंग बैग फ्रीज में कर डाल लेती देती हूँ। हूँ। तो बस आप ये देख लें, नमक, काली मिर्चें और चॉप अदरक डाल दिया है मैंने, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। यही बच्चों के मैक्रोनी में भी डल जाएगा, और जो पहले वाली रेसिपी थी ना ब्रेड पिज्ज़ा वाली, उसमें भी मैंने यही चिकन चंक्स डाले थे। तो अब बस ये देख लें, मैक्रोनीज भी हो गए हैं, इनको बस करना ये है, एक काम करना है आपने, फिर आपने इसको ना स्टेन कर लेना है। इसका ना 1 कप आप पानी निकालें, ये ना हम आगे यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इससे ना मैक्रोनी बहुत जूसी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देख लें, बाकी जो मैक्रोनी थे उनको मैंने स्टेन कर लिया है और इसमें ठंडा पानी डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। ये देख लें, ये वेजेस भी मैंने निकाली हैं, वेजेस जो है मैं स्टोर करके रखती हूँ। मैंने, अगर आपने देखना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इससे ना काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत इंस्टेंट बच्चों के लंच बॉक्स और ना स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। तो बस देख लें, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें ये चॉप वेजेस डाली हैं, जिसमें गाजरें हैं चॉप और बंद गोभी है और शिमला मिर्च हैं। आप कोशिश करिएगा कि ना इसमें चॉप ही लें, क्योंकि मैक्रोनीज हैं ना तो फिर बच्चे इजीली फिर हैंडल भी कर सकेंगे और खा भी लेंगे वेजेस इसके साथ ही ना, स्पून के साथ अक्सर बच्चे ले रहे होते हैं मैक्रोनीज, तो वो फिर इसके साथ ना ले लेंगे। और ये साथ मैंने टिक्का मसाला डाल दिया है, ये एडिशन है, आप इसमें नमक और काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चे खा लेते हैं तो फिर मैंने इस वजह से इसको थोड़ा सा ना स्पाइसी किया है। तो बस ये इनका पानी ड्राई हो गया है, तेज़ आंच पे मैंने इन सारी वेजेस का पानी ड्राई कर लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो चिकन की है, उसमें करना ये है, बस पैन रख लें और इसमें ऑयल डाल के, तो जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना उसको हमने ले लेना है और वो इसमें डाल देना है। ये मैं आपको बताती हूँ किस स्टेज पे ना आपने इसको उतार के, तो फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें ना मैंने सोया सॉस और चिली सॉस भी डाली है, उसकी वीडियो नहीं बनी लेकिन मैंने 2-2 टेबल स्पून वो भी डाली है, और बस इसको ना मैं हाफ कुक कर लूँगी। ये आप देख लें, हाफ कुक, और साथ में इसका जो पानी है वो टोटली ड्राई हो जाए, फिर आप निकाल के इसको ठंडा करके तो पाइपिंग बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, तो इसी चिकन में मैं अब डाल दूंगी ये जो टोमेटो प्यूरी बना के रखी है, ये कोई ख़ास टोमेटो प्यूरी नहीं है, इसमें बस यही है, मैंने जो फ्रीज टोमेटो होते हैं उनका छिलका उतार के तो उनको बस पीस लिया है, वो डाल दिया है इसमें। इससे ना बड़ी अच्छी सी टमाटर की प्यूरी बन जाती है और बिल्कुल भी कोई टमाटर मुँह में नहीं आता। और ये साथ में मैक्रोनी का पानी डाल दिया है, बस दैट्स इट। ये बस ना बहुत इंस्टेंटली सॉस भी रेडी हो गई है मैक्रोनी की, और अब बस मिक्स करते हैं और आपके जो मैक्रोनी है ना वो फटाफट वाले ना रेडी हो गए हैं, और आप लंच बॉक्स में इजीली बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देख लें, ये भी डाल दिया है मैंने, और अब डाल देते हैं मैक्रोनी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि वेजेस भी ना लदा लदा से नहीं हो और वो भी ना मैक्रोनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मिक्सिंग आप अच्छे से करिए, तो फिर देखिएगा आपके कितने अच्छे जूसी मैक्रोनी बन जाते हैं, बच्चे ना साथ वेजेस भी खा लेंगे। चलिए जी, इसका भी लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसे ही मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो फिर मुझे यहाँ पे इजाज़त है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे चल के आप लोग देख लीजिएगा कि वली को इन सब में से कौन सा लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगा था और उसने कहा था कि वो फर्स्ट डे वही लेकर जाएगा। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। वली लंच में क्या लेके जाएगा? यू लाइक पिज्जा? यस, ये लेके जाओगे फर्स्ट डे स्कूल में? यस, जाएगा स्कूल में? यस, फर्स्ट डे में। ओके।